दिनों से बड़ी खबर स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि अंग्रेजों से मिले अपमान को गांधी जी ने समझा था। स्वामी प्रसाद मौर्य, अपमान बदसलूकी के दर्द को गांधी जी ने ही समझा था। उसी प्रकार महिलाएं, शूद्र समाज भी दर्द समझता है। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म की आड़ में अपमानजनक टिप्पणियां की जाती हैं। कश्मीरी ड्राई फ्रूट बेचने वालों के साथ हुई अभद्रता। 1090 लोहिया पथ पुल पर कश्मीरी के साथ हुई अभद्रता। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कार से आए दो व्यक्तियों ने गोमती नदी में फेंका ड्राई फ्रूट। दोनों व्यक्तियों ने अपने आप को बताया अधिकारी। मौके पर मौजूद वकील से भी की अभद्रता। वकील और पीड़ित कश्मीरी ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंचे गौतम पल्ली इंस्पेक्टर। मत लगाओ, यहां से हटाओ, पुल पर लगाओ। हम पुल पर जैसे ही लगाने वाले थे, अभी लगाई थी दुकान, कि एक बंदा आया हमसे माल खरीदने, वकील साहब। तो उन्होंने माल ले लिया, दो तीन पैकेट ले लिए, अभी पैसों की बात हो रही थी। इतने में न जाने कहां से ये गाड़ी आ गई, इसमें दो तीन बंदे बाहर आ गए, उन्होंने हमारा सामान उठाकर नीचे फेंकना शुरू किया। यहां से हटाओ, यहां से हटाओ। हमने कहा हटा देंगे भैया, दो मिनट तो दे दो। उन्होंने कुछ सुनी नहीं हमारी और माल उठाकर नीचे फेंक दिया, और वकील साहब के हाथ में जो माल भेजा था उससे भी छीनकर उसको भी नीचे फेंक दिया, और फिर हमें गाली देने लगे। वकील साहब ने जैसे पूछा गाली क्यों दे रहे हो, तो उनको भी गाली देने लगे। देखिए अभी हमारे पास उनकी कोई प्राधिकरण है, वहाँ का मैं टेस्ट, मैं हाईकोर्ट ट्रिब्यूनल से अपना काम करके हाईकोर्ट के लिए जा रहा था। तब तक यहाँ ड्राई फ्रूट की दुकानें लगी हुई थी, मैंने सोचा कुछ ले लिया जाए, फिर लौट के आना नहीं होगा। मैं एक दुकानदार से यहाँ सामान लेने के लिए रुका था, तब तक एक व्यक्ति यहाँ से कोई आया इस गाड़ी से, और उसने सबका सामान उठा करके फेंकना शुरू कर दिया। कन्नौज से एक बड़ी खबर आ रही है। एक्सरे टेक्नीशियन ने गलत रिपोर्ट देकर चढ़ाया प्लास्टर। एक्सरे टेक्नीशियन ने छात्र से 1050 रुपए भी वसूले। पीड़ित छात्र ने प्रभारी सीएमए से की शिकायत। बीटीसी की पढ़ाई कर रहा है छात्र। छिबरामऊ में 100 सैया अस्पताल का है मामला। कन्नौज से बड़ी खबर, एक्सरे टेक्नीशियन ने गलत रिपोर्ट देकर चढ़ाया प्लास्टर। एक्सरे टेक्नीशियन ने छात्र से 1050 रुपए भी वसूले। पीड़ित छात्रा ने प्रभारी सीएमए से की शिकायत। बीटीसी की पढ़ाई कर रहा है छात्र। छिबरामऊ में 100 सैया अस्पताल का है मामला। बता दें कि कन्नौज से बड़ी खबर है, जहां टेक्नीशियन ने गलत रिपोर्ट देकर प्लास्टर चढ़ाया है और छात्र से 1050 रुपए भी वसूले हैं, जिसकी शिकायत छात्र ने वहां के सीएमए से की है। बीटीसी की पढ़ाई कर रहा है छात्र। छिबरामऊ में 100 सैया अस्पताल का मामला सामने आ रहा है। हमारे साथ इस खबर पर राम ऋषि जी जुड़ गए हैं। राम ऋषि, एक्सरे टेक्नीशियन ने छात्र से गलत रिपोर्ट देके उस पे प्लास्टर चढ़ाया है, तो क्या मामला क्या है ये पूरा? जी बिल्कुल अनुभव, आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है छिबरामऊ 100 सैया अस्पताल का है। फतेहपुर जनपद का छात्र है, यहाँ पर छिबरामऊ में रहकर बीटीसी की पढ़ाई कर रहा है। ये जो है 10 दिन पहले जीने से गिर गया था, इसकी रिपोर्ट 100 सैया अस्पताल में दिखाने के लिए गया था, तो इससे जो है टेक्सियन ने 1050 रुपए मांगे और उसके बाद गलत रिपोर्ट दे दी और बताया कि तुम्हारा अंगूठा टूटा है। तो राम ऋषि, मैं ये जानना चाह रहा था, इसका खुलासा कैसे हुआ कि ये रिपोर्ट गलत है? जी बिल्कुल, आपको बता दें इसका खुलासा जब हुआ, जब ये आज 100 सैया अस्पताल में पहुंचा, सीनियर डॉक्टरों को बताया, उन्होंने दोबारा एक्सरा कराया, उसके बाद ये रिपोर्ट आई कि उन्होंने बताया कि आपका अंगूठा नहीं टूटा था।
तो इस पे क्या अभी तक डॉक्टर ने कोई कार्यवाही की है? सीएमएस से उसने शिकायत भी करी है पीड़ित छात्र ने, तो सीएमएस ने क्या टेक्नीशियन पे कोई एक्शन लिया है? जी, सीएमएस से अभी हमारी बात हुई है। सीएमएस ने बताया है कि प्रार्थना पत्र मिला है लिखित में, और आगे जो है कार्रवाई जो बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। जी, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका राम ऋषि जी। देवरिया से बड़ी खबर, वकीलों ने दिखाई गुंडागर्दी, वकील और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक। मौके पर पहुंचे देवरिया एसपी संकल्प शर्मा, मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात। एक पत्रकार के साथ भी हुई हाथापाई, लार एसएसओ। देवरिया से बड़ी खबर, वकीलों की दिखाई गुंडागर्दी, वकील और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक। मौके पर पहुंचे देवरिया एसपी संकल्प शर्मा, मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात। एक पत्रकार के साथ भी हुई हाथापाई, लारेसो और वकील के बीच हुई थी कहासुनी। लखनऊ, नहीं थम रहा असलहा प्रदर्शन का खेल, इस समय की बड़ी खबर। एक बार फिर से असलहा को लेकर लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। शादी समारोह में युवक लहरा रहे हैं असलहा। सुंदर बिहार ग्राम चुन्नू खेड़ा का वीडियो, मानकनगर थाना क्षेत्र का है मामला। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।